नमस्कार दोस्तों, ऑल कंपैरिजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों फाइनली आज गेम प्ले आ चुका है। बहुत सारे मेरे भाई लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया गेम प्ले क्यों नहीं ला रहे हो, तो फाइनली यार गेम प्ले ले आए हैं। बहुत मुश्किल से शूट हुआ है क्योंकि यार समझ सकते हो कितना पिंग का कितना इशू रहता है। जब से वीपीएन वाला बवाल चालू हुआ है ना, तब से भाई गेम खेलने में मजा नहीं आता यार। मतलब कहीं पिंग हाई लो, कहीं सर्वर डिड नॉट रिस्पॉन्ड, कहीं कुछ, कहीं कभी कभी लॉबी से उठा के बाहर फेंकता है। इतना बवाल रहता है ना भाई इस समय कि गेम खेलने में वो मजा नहीं रहता है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल से गेम शूट हुआ है। देखो बहुत मजा आएगा, काफी इंटरेस्टिंग गेम प्ले है। और साथ ही साथ और भी काफी सारी चीजों के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पिछले वाले वीडियो में तबाही मचाई ना, उनके लिए एक स्पेशल मैसेज है, जरूर देखना। ठीक है, तो फाइनली हम लोग सबसे पहले यहाँ पे भैया इस आइसलैंड पे उतर चुके थे। मजेदार जगह है भाई, यहाँ पे क्या तबाही, एक नंबर लूट मिलती है यार। मतलब दिल खुश हो जाता है यहाँ पे आने के बाद। मतलब ये समझ लो इतनी सी जगह में इतनी लूट मिल जाती है कि इतने तो पूरे मुझे लग रहा है थर्ड हिल के अंदर कॉर्नर लूट हुई, उससे ज्यादा तो यहाँ पे केवल लूट मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के अलावा भी एक टीम उतरी हुई थी जिसको हम लोग खोज रहे थे कि कहाँ पे है भैया। तो उतने में उस बंदे ने मेरे एक टीम मेट को नॉक कर दिया। अब देखो उस बंदे को हम लोग ढूंढेंगे कि वो बंदा है कहाँ पे। तो ये एक बंदा रहा, इसको तो हमने पूरा फिनिश कर दिया, लेकिन जो जिस बंदे ने मेरे टीम मेट को नॉक किया था उसको दूसरे बंदे ने नॉक कर दिया, तो उसको मैंने फिनिश कर दिया और अपने टीम मेट को रिवाइव कर दिया। ठीक है, अब रिवाइव करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत लूट मचाऊंगा, उसके बाद आगे चलेंगे नदी के। जैसे ही उस पार जाएंगे ना भाई, बंदे बिल्कुल रेडी रहते हैं, बिल्कुल कैंप किए बैठे रहते हैं कि आओ भाई तुम्हारा वेलकम है। वो बिल्कुल कायदे से, उनको शायद उन लोगों ने देख लिया था मुझे, हम लोगों को इधर आते हुए, या फिर उनको गोलियों की आवाज़ शायद सुनाई दिखे थे। तो रेंज में भैया सब बैठे थे और देखना कैसी बुरी तरीके की फाइट होगी और कैसे तुम्हारा भाई पेटेगा, इनकी पेटियाँ बनाएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे दो प्लेयर जो है आगे निकल गए थे तैर के, हम लोग पीछे रह गए थे, तो मैं यहाँ पे बचा हूँ। देखो भाई दोनों के दोनों मेरे बंदे नॉक हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं भाई। उन दोनों बंदों ने बहुत अच्छा खेला था, कुछ भी हो, तो इस बंदे को मैंने सीधा जाके टपका दिया क्योंकि मुझे पता था यही बंदा बचा, एक बंदा नॉक हो गया था, तो मैंने पूरा एम इसी पे लगाया। मैंने कहा नॉक वाले को मारेंगे तो वो मेरे को भी खा जाएगा। तो वैसे में वो बंदा खेल भी अच्छा रहा था और शायद उसका पिंकिंग का भी इशू नहीं था, बढ़िया खेल रहा था। तो फाइनली भाई इन दोनों को मैंने खत्म करने के बाद अपने टीममेट को रिवाइव किया। रिवाइव करने के बाद भाई यहां से क्या कतई जहर वाली गन मिलेगी देखना, अभी M2 मिल जाती है यहां से, मजा आ जाता है यार। और उतने में भाई M2 मिलते ही सामने भैया एक स्नैक मिल जाता है। भैया सांप बने बंदा गाड़ी लेके आता है, जैसे हम लोग को देखता है गाड़ी खड़ी करता है, तुरंत लेट जाता है। और भाई जैसे लेटता है ना, तुम्हारा भाई पट से हेडशॉट देता है और कट से लॉबी, मजा आ जाता है भाई। तो उस बंदे को तो फाइनली हम लोगों ने खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद अब देखो इसको लूटेंगे और लूट के फिर आगे जाएंगे। ठीक है, आगे देखो एक और गाड़ी के साथ बिल्कुल बवाल मचा देते हैं, मजा आ जाएगा भाई, क्या ही तबाही होती है। ठीक है, ध्यान से देखना, मजा आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो जो मेरे टीम मेट थे वो लूट करने लगते हैं और मैं यहाँ से गाड़ी से उतर के आगे चला जाता हूँ। ठीक है, और एक चीज और हाँ बता दूं आप लोगों को कि दोस्तों कल मुझे दो तीन बंदों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, जहां पे उन लोगों ने स्क्रीनशॉट डाला था कि जो हमारा प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर के अंदर से हम VPN लगा के BC परचेस कर पा रहे हैं। तो भाई उस मेथड को मत यूज करना, मैं तुमसे यही बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि VPN लगा के अगर तुम BC परचेस कर रहे हो मेरे भाई, ठीक है, तो वहां पे बहुत रिस्क होता है, हो सकता है कि उन लोगों को अगर पता चल जाए तुम्हारी ID ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, अगर सर्वर में जरा भी ऊपर नीचे हुआ तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। तो याद रखना कि प्ले स्टोर से तो बिल्कुल भी मत करना, प्ले स्टोर से VPN बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि भैया गूगल की सर्विस है बहुत सिक्योर रहती है, याद रखना, तुरंत तुम लोगों को पकड़ लेंगे। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना। गेम की बात दूसरी है, जीमेल की बात दूसरी है दोस्तों। ठीक है, और ये काफी सारे मेरे भाई लोगों ने कल मुझे दो तीन लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि क्या मतलब VPN लगा के प्ले स्टोर से क्या चेंज कर सकते हैं। तो भाई मत करना उसको, वो बहुत ही गलत मेथड है। ठीक है, अब ये देखो यहां पे भैया जैसे ये गाड़ी आती है, हम लोगों ने खूब डैमेज दिया। पहले मेरे जो टीममेट थे वो तो बंदों को मार रहे थे, लेकिन मेरा पूरा एम गाड़ी पे था। मैं सोच रहा था पूरी गाड़ी ब्लास्ट करते हैं, पूरे किल मिलेंगे, और भाई वही होता है मेरे साथ, मैं गाड़ी गाड़ी पे फेलता हूँ और सारे के सारे मेरे को किल मिल जाते हैं भाई, पूरी गाड़ी के किल मिल जाते हैं, मजा आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनली यहाँ तक मेरे 5 किल पूरे कंप्लीट हो जाते हैं और उसके बाद इनकी लूट भी अच्छी खासी थी, लूट कर लेते हैं। लूट करने के बाद हम लोग आगे निकलते हैं, मैं फिलहाल आगे जाता हूँ क्योंकि मुझे किल चाहिए होते हैं।
और यार जब से तुम्हें पता है ये मतलब सर्वर बंद हुआ इंडिया वाला, तब से भाई किल मतलब एनिमी बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है गेम कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ, मतलब इतनी जल्दी गेम क्लोज हो जाता है कि समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हम लोग इस जगह तो पहुंच गए थे, देख सकते हो। अब यहाँ से देखना कैसे बंदे को एक को पेलते हैं, बहुत ही मजा आएगा आपको भाई। जरा सा बंदा बचता है लेकिन इतना अच्छा शॉट बैठता है, मुझे मतलब पूरे गेम में सबसे बेस्ट वाला शॉट लगता है। अभी देखना, एक तो यहाँ पे मुझे बंदा मिलता है, इसको मैंने स्नाइपर दिया लेकिन इसके बॉडी शॉट पड़ता है, मतलब हेड शॉट नहीं पड़ता है, बॉडी शॉट पड़ता है, बिल्कुल चिपका होता है बंदा वो दीवार पे। ठीक है, तो ये बंदा बच जाता है। अभी देखना एक और बंदा है, उसको क्या चिपक के हेड शॉट बैठेगा, कौन सा वाला शॉट मस्त लगता है सबसे ज्यादा, वो मुझे कॉमेंट करके बताना। ठीक है, अभी देखना तुमको दिखाते हैं भाई यहाँ पे क्या कैंपिंग कर रहा था बंदा, और क्या तगड़ी वाली शॉट बैठती है उसको, बिल्कुल खोपड़ी तड़तड़ा जाती है। ये देखो ड्रिंक पी रहा है, आराम से बैठ के ड्रिंक पी रहा है। आह भाई बहुत सही भाई, पड़ा तो बिल्कुल सीधा लॉबी चट से। और भाई इस बंदे को खत्म करने के बाद अब जो बंदा बचा हुआ था वो बचा था केवल एक बंदा। जी हाँ दोस्तों, केवल एक बंदा बचा था। अब इसको ढूंढना मेरे लिए बहुत कठिन था क्योंकि मैप काफी बड़ा था, अब इसको ढूंढना था। अब हम लोग थे चार लोग, वो बचा था अकेला, अब ढूंढना था ये थे कि कहाँ पे है। मेरे टीममेट बोल रहे थे बोट है, लेकिन भाई लास्ट वाला बंदा बहुत कम चांस होता है कि बोट निकले, यूरोप सर्वर में निकल जाता है कभी कभी, लेकिन एशिया सर्वर में बहुत कम चांस होता है कि तुम्हें लास्ट बंदा बोट मिले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको खोज ही रहे थे कि भैया कहीं पे बंदा दिख नहीं रहा था। और हाँ एक चीज़ और बता दूं यार, मैंने आज आप लोगों के लिए मतलब ये बताया था कि आप बीसी कैसे परचेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे मैंने एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया था डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वहाँ पे यार बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बहुत गंदी चीज़ की आप लोगों ने जो मुझे बिल्कुल भी मतलब आप लोगों को एक्सपेक्ट नहीं थी। मैंने आप लोगों के भले के लिए किया था कि कोई स्पैमिंग नहीं होगी, किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, आप लोग बच जाएंगे फ्रॉड से, इसलिए मैंने वो ग्रुप का लिंक दिया था जहाँ से आपको पैसे देने थे और आप बीसी वहाँ से आसानी से खरीद पा रहे थे। ठीक है, वो मेरा दोस्त था जो बीसी बेच रहा था। ठीक है भाई, वहाँ पे बंदों ने इतना उपद्रव मचाया कि पूछो ना यार, मतलब ये बहुत गलत बात है, हमने आप लोगों से इतने एक्सपेक्ट नहीं की थी, मतलब आप लोग ऐसा करोगे मैंने कभी आप सोचा सभी है। मेरे छोटे और बड़े भाई हो, हम लोग एक फैमिली है यार, तो थोड़ा सा सबर रखा करो। वहाँ पे फ्री लिंक फ्री बीसी और यूसी नहीं मिल रहे थे, पैसों से मिल रहे थे, थोड़ा सबर रखो सबको मिलेंगे। अब इतने सारे मैसेज में एक बंदा अकेले नहीं इतनी जल्दी दे सकता है आपको रिप्लाई, तो थोड़ा सा वेट किया करो, मिल जाएगा सबको। वो जिससे भी बात करेगा, जिसका पेमेंट कर लेगा, उसको बीसी देने के बाद ही पूरी मतलब बात कंप्लीट करने के बाद ही मतलब वो आपको रिमूव करेगा वहां से। ठीक है, ये बात याद रखना। और हाँ, जिन लोग ग्रुप फुल हो गया है तो ग्रुप मैं कल नया लिंक डाल दूंगा ग्रुप के अंदर, तो जिन लोगों को बीसी लेना हो वहां से ले लेना, लेकिन हाँ कोई भी उत्पात मत मचाना। वहां पे मैंने चैट खोल दी थोड़ी देर के लिए, तो भाई वहां पे कोई अपने चैनल का लिंक भेज रहा है, कहीं कुछ भेज रहा है, कोई टेलीग्राम का भेज रहा है, कोई व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भेज रहा है। मैंने जबकि मना किया था कि भाई ग्रुप का लिंक कोई नहीं भेजेगा, ऐसी गलत बात मत किया करो। अगर आपको मुझसे कोई काम है, पर्सनल बात करनी है, कुछ भी करना है, तो आप टेलीग्राम पे आओ, इंस्टाग्राम पे आओ, इंस्टाग्राम पे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे आप फॉलो कर सकते हो मुझे, वहां पे आप बातचीत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग कोलूट के साथ, तब तक के लिए।